हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन 3। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन में दिया गया है द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर वॉल्यूम का हम एरिया वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला जानेंगे तो हम आराम से इसको निकाल लेंगे। तो लिखेंगे गिवन, गिवन क्या सब है, हाइट दैट इज एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। टू फाइंड क्या करना है हमको, रेडियस आर। ठीक है, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 πr²h। अब वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 1570, तो इसको यहाँ डाल देंगे 1570। 1/3 π का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। आर हमको निकालना है, आर स्क्वायर निकल जाएगा तो आर निकल जाएगा और एच हमारा है 15। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 3 से इसको कट कर देंगे तो ये हो गया 5। अब हो गया 1570 इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 4 = 70 × 5 = 15। 1570 ये भी हो गया, डिसमल दो डिसमल के बाद है तो दो डिसमल के बाद डाल दिया, इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई है आर स्क्वायर के साथ तो इससे इसको डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1570 है ही इधर और इधर डिवाइड हो गया 15.70 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस डिसमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिसमल के बाद 2 प्लेसेस है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का डिसमल हट जाएगा। ये हो जाएगा 1570 × 100 कर देंगे तो ये नीचे का डिसमल हट जाएगा, 1570 हो गया इक्वल टू आर स्क्वायर। 1517 कट गया तो आर स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, आंसर हो गया रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक्स।